दोस्तों यह मेरा पहला वीडियो है और मैं आपको सिखाता हूँ आज फ्री में कैसे हम फोटोज़ बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ फ़ोटो पहले मंगवाई थी, उनका स्क्रीनशॉट है ये, और ये फ़ोटोज़ मैंने रिसीव कर ली थी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फ्री में फ़ोटो कैसे बुक करना है आपको। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल फ्री प्रिंट्स को इन्फो ओपन करना है उसका, और वहाँ से उसका डेटा जो है उसे क्लियर कर देना है। डेटा को क्लियर करने के बाद आप उस ऐप को अनइंस्टॉल भी कर देना है साथ में। अनइंस्टॉल करने के बाद हम फ़ोन मैनेजर में जाएंगे और वहाँ से उस ऐप की जो भी डेटा है उसका वो सारा वो हमें रिमूव करना है। इसमें सेफ टू क्लीन अप जाकर उसकी रेसिडुअल फाइल्स को हमें रिमूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये नहीं करोगे तो आपका जो है ये आगे काम नहीं हो पाएगा। फिर आपको अपने मोबाइल से फ्रीप्रिंट्स का एप जो है वो आपको डाउनलोड करना है, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक मैंने है जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम वहाँ से कुछ 5 फोटोज जो भी आप करना चाहते हैं आप रेंडमली आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से, और सिलेक्ट करके आप उनको प्रिंट करवा सकते हैं। आप देखते हैं कैसे प्रिंट करवाना है। 5 फोटो जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फोटोज़ को, सिलेक्ट हो रही है फोटोज़। 5 फोटो आपकी जो मन आ रहा है वो सारी फोटो आप कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया ऐप है, क्वालिटी अच्छी आ रही है। अब आप फोटोज़ को देखिए, आप जूम करके या जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लग रहा है सारी फोटोज़ आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, सेट करने के बाद आप वीडियो सारी फोटोज़ को चेक कर लेना कौन सी फ़ोटो सही है या नहीं है। तब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर जो आपके राइट कॉर्नर पर है, और आपको अपने इसमें न्यू नंबर, न्यू जीमेल सब ऐड करना है। आप चाहें तो नंबर रेंडम डाल सकते हैं कोई सा भी, पर जीमेल में आपको ध्यान रखना है कि प्लस वाला अपन को आइकन नहीं रखना है वहाँ पर, क्योंकि अब ये वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों पहले वर्क कर रहा था, और हमको यहाँ से अब अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो एड्रेस आपका दिया गया है आपको अपना एड्रेस ऐड करना है। दोस्तों एक बात, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब अपने जीमेल डाल रहे हैं तो ऐसे जीमेल मत डालिएगा जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं। अदरवाइज आपका जो ऑर्डर है उसमें लास्ट में शिपिंग के टाइम पर वो 50 रुपये ऐड कर देगा शिपिंग चार्ज के लिए। तो आपको अपने इसमें एड्रेस डालना है जो भी आपका है। एड्रेस को ऐसा हर बार एड्रेस थोड़ा चेंज करते रहें ताकि आगे वाले को लगे नहीं कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और जैसा मैं देखिए आप हर बार एड्रेस में कुछ ना कुछ चेंज कर देता हूँ। जैसे हाउस नंबर चेंज कर दिया है, हाउस नंबर फ्लोर लगा दीजिए आप, भले फ्लोर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लोर आप बढ़ा दीजिए, 2 या 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। और फिर अपन इसको आगे करने के बाद में शिफ्टिंग से एडजस्ट करेंगे, और आप देख रहे हैं वहाँ पर शिफ्टिंग 0 आ रहा है, पर ये क्या पेमेंट फंड। अब यहाँ पर मुझे जाना है अपने प्ले स्टोर पर, और वहाँ से फ्री प्रिंट्स को ऐप को अपडेट कर लेना है। फ्री प्रिंट ज़्यादा नहीं, 8 MB समथिंग का कुछ होगा, और जैसे देख आप वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं आपको, आपको इस तरह से इसे अपडेट कर लेना है। और ये अपना ऐप जो है वो अपडेट हो गया है, और अपडेट होने के बाद इसे ओपन करना है नॉर्मल, बिल्कुल जैसा हम करते हैं पहले की तरह, बिल्कुल सेम, कोई इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आप देखिए वीडियो में किस तरह से मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल आप उसी तरह करना है। अब ओपन किया मैंने ऐप को, और कंटिन्यू करना है ऐसे फ्रेंड्स, और शिफ्ट एड्रेस पर क्लिक करना है, और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है, और आप जाकर के अपने माय ऑर्डर में से आप चेक कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना आप कर सकते हैं, और थैंक यू, आपने वीडियो देखा।